दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ आए दिन अजीबोगरीब घटना देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो आपने ऐसी लाइनें जरूर सुनी होंगी, मिलकर भी हम मिल ना सके, क्या मिला फिर प्यार में। दरअसल यहाँ मैं ऐसे दो समुद्र की बात कर रही हूँ जो मिलकर भी कभी नहीं मिलते। कोई कहता है कि इसका जिक्र शिव पुराण में है, तो कोई कहता है कि इसका जिक्र कुरान में है, लेकिन कोई भी इन दोनों का रहस्य नहीं जानता। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल है अलास्का की खाड़ी। इस खाड़ी में एक ऐसी जगह है जहाँ दो समुद्रों का पानी जब टकराता है तो दुनिया के होश उड़ जाते हैं। जहाँ एक तरफ गहरा नीला पानी है तो दूसरी तरफ मटमैला नीला पानी। कहते हैं समुद्र के नज़ारों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से जमा होते हैं। इस नज़ारे को देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि दोनों समुद्रों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता। और ये दो समुद्र हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। आखिर इन दो समुद्रों का पानी आपस में क्यों नहीं मिलता, आखिर इसका रहस्य क्या है? क्योंकि इस नज़ारे को देखकर तो यही लगता है कि पानी के बीचों बीच कोई लक्ष्मण रेखा खींची है जिसे दोनों समुद्रों में से लांघने की कोशिश कोई समुद्र नहीं करता। दुनिया भर में कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक मान्यता से भी जोड़ते हैं। मुस्लिम मान्यता की माने तो ये अल्लाह का चमत्कार है कि जिसका जिक्र कुरान में है। वहीं हिंदू मान्यता के मुताबिक इसका जिक्र शिव महापुराण में दिया गया है, यानी प्राकृतिक के इस अद्भुत नज़ारे को धर्म से भी जोड़ा गया है। धरती के करीब 30% हिस्से पर जमीन है और 70% हिस्से पर पानी है, लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए कि धरती पे दो महासागर आपस में मिलते तो जरूर हैं, लेकिन दोनों का पानी अलग अलग साफ नजर आता है। दरअसल अलास्का की खाड़ी में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आकर मिलते हैं। इन दोनों समुद्रों की सबसे निराली बात तो यह है कि यह दोनों कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते, जिसका अंदाजा आप इन दोनों के अलग अलग रंगों से लगा सकते हैं। अगर आप इस नज़ारे को करीब से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शिप की मदद लेनी होगी। कहते हैं कि दूर आसमान से देखने पर तो ये नज़ारा काफी शानदार लगता है। दरअसल ये एक ग्लेशियर से आने वाला हल्का मटमैला नीला पानी है तो दूसरा गहरा नीला पानी। इन दोनों के मिलन की दीवार भी साफ नजर आती है। असल में इन दोनों समुद्रों के पानी के अलग होने का एक खास कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पानी के घनत्व और उसके तापमान के साथ कई बड़े कारणों से जुड़ा है। तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का अलग अलग घनत्व और उसमें मौजूद लवण और तापमान के अलग अलग होने की वजह से दोनों समुद्रों का पानी आपस में सही तरह से नहीं मिल पाता। प्रशांत महासागर का पानी ग्लेशियर से आने के कारण हल्का नीला और नमकीन होता है, जबकि हिंद महासागर का पानी काफी खारा है। इन दोनों महासागरों का पानी ऊपरी सतह पर अलग अलग घनत्व होने की वजह से मिल नहीं पाता, और जब ये पानी आपस में टकराता है तो कुछ झाग पैदा होता है। ये झाग पानी की ऊपरी सतह पर एक सीमा रेखा की तरह नजर आता है। सूरज की रोशनी में खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व के कारण दोनों पानी का रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कहा जाता है कि हल्के घनत्व वाला पानी ऊपर तैरता है और खारा पानी नीचे चला जाता है, यानी मटमैला पानी नीले पानी पर तैरता रहता है, लेकिन इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा पाता। खैर, जो भी हो, ये नज़ारा वाकई में काफी चौंकाने वाला है। हिंद महासागर दुनिया के सभी महासागरों का लगभग पांचवा हिस्सा कवर करता है। यह महासागर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच 6200 मील यानी कि 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। हिंद महासागर की औसतन गहराई 12274 फीट है, जबकि इसका सबसे गहरा पॉइंट इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 24442 फीट नीचे है। हिंद महासागर उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जब अफ्रीका के दक्षिण में यह अटलांटिक महासागर से मिलता है तो वहीं ये पूर्व और दक्षिण पूर्व में अपना पानी प्रशांत महासागर के साथ मिला लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।